नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आमला भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पिंडागरे के पक्ष में कल मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोरदेही के खेरली बाजार और आमला में आम सभा को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर उनके साथ प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पिंडागरे, भाजपा जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला, विधानसभा प्रभारी राजेश आहूजा, पीजे शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष राम किशोर देशमुख, यदुराज रघुवंशी, यशवंत यादव सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी उपस्थित रहेंगे। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राम किशोर देशमुख, यदुराज रघुवंशी, यशवंत यादव ने बताया कि पहली सभा दोपहर 2 बजे खेरली बाजार के बाजार चौक में एवं इसके पश्चात दोपहर 3 बजे आमला में पुलिस थाने के पीछे होगी। सोमवार को भी जारी रहा जनसंपर्क। भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गडेकर ने बताया, प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पिंडागरे ने मंगलवार को भी सघन जनसंपर्क किया। मंगलवार को ग्राम जम्बाड़ा, जम्बाड़ी, कुटखेड़ी, माहौली, रानी डोंगरी, गोवाड़ी, ढाना, खापा, खतेड़ा, देवगांव, कनौजिया, खानपुर सहित आसपास के अन्य गांवों में जनसंपर्क किया। खेली बाजार में शुरू हुआ भाजपा कार्यालय। रविवार को भाजपा जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला ने खेली बाजार में भी भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय एवं सेक्टर प्रभारी राहुल साहू ने बताया, उनके द्वारा खेली बाजार सहित आसपास के गांवों में भी जनसंपर्क किया गया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पिंडागरे के सहज और सरल स्वभाव के कारण मतदाता उनका क्षेत्र में लगातार स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान महिलाएं पिंडागरे की आरती उतारती नजर आ रही हैं, जबकि उनके प्रचार में बड़ी तादाद में महिलाएं भी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। तो क्या मामा नहीं बोलेगे तो क्या बोलेगे? ये भी मामा ही है, ये शिवराज जी के छोटे भाई। ये रहेंगे तब तो वो मामा रहेंगे। आमला से खबर समय जगत के लिए हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।